नशीले पदार्थों का सेवन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपने हल्के में लेना चाहिए। ये तब होता है जब शराब, दवा और अन्य कानूनी और गैरकानूनी पदार्थ आप अधिक या गलत तरीके से उपयोग करते हैं। मैं मणिपाल हॉस्पिटल बानेर पुणे से कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रश्मि सातपुते और आज हम नशीले पदार्थों के सेवन के बारे में बात करेंगे। सब्सटेंस अब्यूज एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें शराब, दवा और अन्य कानूनी और गैर कानूनी नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है जो अधिक या गलत मात्रा में होता है। उस सेवन पे उनका कंट्रोल नहीं होता है जिससे उनके जीवन के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक पे जीवन पे असर होता है। आजकल अगर देखा जाए तो बच्चों में सब्सटेंस अब्यूज काफ़ी बढ़ रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले पुअर पेरेंटल मॉनिटरिंग, माने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट फैमिली में और बच्चों में कम होना या फिर फैमिली डिस्कॉर्ड होना। दूसरी है एकेडमिक प्रॉब्लम्स, माने पढ़ाई में दिक्कत आना। तीसरा है बच्चों को ऑलरेडी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ADHD या कोई और हो सकती है जिसको हमने अनडायग्नोज किया है या फिर उसे अनट्रीट किया है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज़ कर सकते हैं। चौथा ये है कि इजी अवेलेबिलिटी, माने कुछ नशीले पदार्थ बहुत इजीली अवेलेबल हो सकते हैं बच्चों के पास, जिससे वो लेना शुरू कर सकते हैं। पांचवा, जैसे मैंने बोला कि पीयर प्रेशर या फिर गलत संगत में लगना, जिसकी वजह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ सेवन शुरू कर सकते हैं। जो बच्चों में चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, माने शारीरिक या लैंगिक शोषण हुआ है, उन बच्चों में भी सब्सटेंस अब्यूज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा है। नशीले पदार्थ के बहुत प्रकार होते हैं। सबसे पहले टोबैको, जिसको हम तंबाकू, सिगरेट या बीड़ी के फॉर्म में ले सकते हैं। दूसरा है शराब। तीसरा है मारिजुआना, जो दो फॉर्म में आते हैं, गांजा और चरस। चौथा है ओपियोइड्स या गरद, जो बहुत कॉमन नॉर्थ इंडिया में देखा गया है। पाँचवा है स्टीरोइड्स, जो यूजुअली बॉडी बिल्डिंग के लिए लेते हैं लेकिन उसको गलत या अधिक मात्रा में लेते हैं, तो उसे हम अब्यूज़ बोलेंगे। उसके बाद है LSD, जो हम मूवीज़ में या वेब सीरीज़ में भी देखते हैं, जो टंग के नीचे रखते हैं। अगला है MD, जिसको हम एम्फेटामाइन्स बोलेंगे। उसको बहुत उत्तेजित करता है किसी भी व्यक्ति को। सबसे आखिरी में मैं बताऊंगी कोकेन के बारे में। वो सबसे ज़्यादा एडिक्टिव पोटेंशियल वाला पदार्थ है। जब भी आप कोई भी नशीला पदार्थ लंबे समय तक ले रहे हैं और हर बार अधिक मात्रा में ले रहे, तो ये एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, कि अगर आप नशीला पदार्थ का सेवन बंद करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये और एक लक्षण हो सकता है। तीसरा, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय नशीला पदार्थ को लेने में, उसका नशा करने में अगर बिता रहे हैं, तो ये एक और एक लक्षण हो सकता है। अगर आपको नशीला पदार्थ लेने की बहुत तलब होती है, तो हम इसे लक्षण मानते हैं। अगर नशीले पदार्थों की वजह से आपके पार्टनर के साथ आप मनमुटाव हो रहे हो और फिर भी आप उसका सेवन बंद नहीं कर सकते हैं, तो एक लक्षण है कि आपको सब्सटेंस अब्यूज़ हो सकता है। नशीले पदार्थ के सेवन की वजह से अगर आपके काम पे, आपके परिवार में और आपके सोशल लाइफ में, माने दोस्तों में, अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो ये एक लक्षण हो सकता है। सब्सटेंस अब्यूज़ के निदान के लिए आप फैमिली डॉक्टर के पास जा सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। वहाँ पे आपकी जनरल डिटेल हिस्ट्री ली जाती है और उससे निदान हो जाता है। ज़रूरत पड़े तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और कुछ बाकी के टेस्ट भी करने पड़ सकते हैं। सब्सटेंस अब्यूज़ का इलाज है, इसके प्रकार होते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर सब्सटेंस अब्यूज़ माइल्ड है, तो थेरेपी, काउंसलिंग और सेल्फ कंट्रोल से ठीक किया जा सकता है। अगर ये मॉडरेट और सीवियर है, तो इसके लिए दवाइयाँ होती है, जो विड्रॉल सिम्टम्स अगर आते हैं पेशेंट को, तो वो ठीक करने के लिए दवाइयाँ मिलती है और इसके साथ साथ काउंसलिंग और थेरेपीज का भी यूज़ होता है। इसके अलावा डी एडिक्शन सेंटर्स जगह जगह पर होते हैं, जो पेशेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं, उन्हें एक लाइफस्टाइल में ढाल देते हैं, जिसकी वजह से वो नशीले पदार्थ से दूर रह सकते हैं। नशीले पदार्थ के सेवन से बचना है, तो हमें यूथ को टारगेट करना है। सबसे पहले पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल, स्कूल में पेरेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में।
इसके साथ साथ हम टीचर्स और बच्चों को भी काउंसलिंग कर सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये क्या होता है और इसका परिणाम क्या है। अगर हम नशीले पदार्थ के सेलिंग पर एज रिस्ट्रिक्शन डालते हैं तो हम यूथ को बचा सकते हैं।